नमस्कार दोस्तों, तो ये लेद्रीमेर ग्राम के कुछ वरिष्ठ समाज सेवी हमारे साथ में हैं। मैं उनसे जानूंगा। सबसे पहले सर्वप्रथम मैं खानपुर के ठाकुर साहब श्रीमान वाग सिंह जी से बात करूंगा, क्योंकि यदि बांध के नजदीकी क्षेत्र जहां से लगभग बांध की हवाई दूरी 10 किलोमीटर के आसपास में है, वो क्षेत्र तो लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन जो इसके बैक साइड में जैसे दासपा और आगे इससे आगे तक जो भी गाँव है उनके हिस्से का पानी जो उनका जो परसेंटेज है उस परसेंटेज के हिस्से का पानी उन लोगों को नहीं मिल रहा है, तो क्या आप सरकार से क्या मांग रखेंगे कि उनके हिस्से का पानी आप प्रतिवर्ष या तो 33% इसमें छोड़ते जाओ, अन्यथा लोगों के कृषि कुएं का जल स्तर काफी नीचे गिर चुका है, कृषि कुएं सूख रहे हैं, पानी के स्वाद में बदलाव आ रहा है, तो आप सरकार से क्या मांग रखेंगे आप? देखो सर्वप्रथम हमने सरकार से मांग रखी थी, कलेक्टर साहब को हमारा जनप्रतिनिधि जाके मतलब मिला था, हम भी साथ में थे, कलेक्टर साहब को समझाया था कि भाई अभी बजट नहर के लिए आवंटित हुआ है लेकिन नहर अभी जैसे पानी छोड़ने लायक नहीं है, तो 33% पानी हमारे हक का पानी वो तो हम मांग कर ही रहे, नहर के हिस्से का पानी वो भी इस नदी में छोड़ा जाए, क्योंकि नहर अभी सक्सेस नहीं है, पानी छोड़ने लायक नहीं है, टूटी हुई है, रिपेयर करने में एक साल लगेगा, टाइम लगेगा, तो वो पानी बांध में पड़ा पड़ा वाष्पीकरण होके उड़ जाएगा, सीपेज में निकल जाएगा, लीकेज में निकल जाएगा। इससे अच्छा फायदा यह है कि अगर नहर के हिस्से का पानी वो भी इस नदी में छोड़ा जाए तो लोग लाभान्वित रहेंगे। तब तक नहर का बजट पास हो चुका है, नहर भी मरम्मत हो जाएगी, फिर नहर के हिस्से का नहर में छोड़ने की हम मना नहीं कर रहे हैं कि नहर के हिस्से का नहर में नहीं छोड़ना, अब की बार नहर टूटी हुई है, नहर के हिस्से का पानी अब की बार नदी में छोड़ा जाए। और हम पूर्व MLA साहब समरजीत सिंह जी से भी मिले थे, तो साहब ने आश्वासन दिया कि भाई आप निश्चिंत रहो, हम आपके साथ में है, किसानों के साथ में, और हम कोशिश करके पानी छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, नहर का हिस्से का पानी और 33% ये भी पानी, तो इससे लोग आगे पानी चला जाएगा तो लोगों में खुशी आएगी, जल स्तर बढ़ेगा, गवर्नमेंट के ट्यूबवेल यहाँ पे लगे हुए हैं, गवर्नमेंट PSTP के ट्यूबवेल है यहाँ पे, वो सब डिस्चार्ज हो जाएंगे, आने वाले समय में पीने के लिए पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। यदि सरकार अभी देखो पानी का बहाव चल रहा है, क्योंकि जमीन इतनी प्यासी नहीं है, अभी यदि सरकार इस बात पर अमल करे और 33% पानी छोड़ दे तो ज्यादातर ये एरिया में पानी चलेगा और ज्यादा किसान लाभान्वित होने की संभावना है। तो ठाकुर साहब बांध ओवर फ्लो होने के बाद में लगभग 5 से 6 साल उसके बाद में ये पानी बह रहा है, किसानों का चेहरे किस प्रकार खिले हुए, कैसी खुशियां किसानों के चेहरों पर नजर आ रही है आपको? देखो बारिश का मौसम शुरू होते ही लोगों में उत्साह था कि अभी अब की बार अच्छी बारिश है और बांध का पानी दासपा तक पहुंचेगा, तो चक्रवर्ती तूफान के साथ में अच्छी बारिश भी हुई और बांध भी भर गया और ओवरफ्लो होकर पानी भी आ गया। अब हमारी सबकी यही मांग है कि भाई जो भी बांध है तो उसका एक गेट बनाया जाए, हर साल ये ऐसा पानी आता रहे ठेठ दासपा तक जहाँ तक ये नदी पहुँचती वहाँ तक, तो दोनों गाँवों के किनारे के गाँव वाले वो लाभान्वित होते रहे, खुशहाली रहती रहे और सभी किसान इसी में खुश रहेंगे, यही हमारी मांग है। और इसी तरह पानी चलता रहा तो किसानों को पानी चाहिए, खुश उसको पैदावार के लिए मेन पानी चाहिए, तो वो किसान इसके लिए सब खुश है। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, अगर 15 दिन के अंदर ये कमेटी के द्वारा और कलेक्टर साहब को मिल के आए थे कि भाई आप ठहरो, अभी पानी बरसात का आ रहा है वो आने दो, बार हमारे टाइम लिमिट पूरा होने के बाद अगर पानी नहीं छोड़ते हम धरना प्रदर्शन करेंगे।